आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं आर्ड इंडिया न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। शाजापुर शहर के होटलों पर की जा रही है चालानी कार्रवाई। स्वच्छता अभियान के तहत शाजापुर शहर के बस स्टैंड परिसर के अंदर होटल दुकान और शहर में चलाया जा रहा है स्वच्छता अभियान। अभियान में पॉलिथिन और गंदगी फैलाने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। दुकान के बाहर गंदगी होने पर दुकानदार मालिक के खिलाफ 100 रुपए की रसीद काटी जा रही है। हम लिखते हैं जी। मेरा नाम निखिल राव यादव है। मैं शाजापुर में स्वच्छ भारत मिशन प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ और स्वच्छ भारत मिशन का काम देखता हूँ। सर, जिस प्रकार अभी आप ये मुहिम चला रहे हैं, ये किस बात के लिए मुहिम चला रहे हैं और क्या है इसका? अभी आपको पता होगा, भारत सरकार द्वारा जो स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है उसके अंतर्गत कचरा फैलाने, पॉलिथिन यूज करने, खुले में शौच करने हेतु कुछ अर्थदंड वसूलने का नियम बनाया गया है। तो हम यहाँ पे अभी पहली बार लोगों को समझाई देते हुए इसके यहाँ कचरा मिल रहा है उसकी रसीद काट रहे हैं 100 रुपए की, और अगर ये उसके बाद भी नहीं मानते तो इनकी ज्यादा रसीद अर्थदंड काटेंगे और आगे इनको और समझाई दी जाएगी। सर, ये मुहिम कब तक क्या चलेगी? ये मुहिम वैसे तो हमेशा ही चलना चाहिए, पर अभी सर्वेक्षण का माहौल है और दिल्ली से एक टीम विजिट के लिए आती है तो ये चेक करने के शहर कैसा है उस हेतु हम इस माह ज्यादा शक्ति दिखा रहे हैं। सर, ये मुहिम कहाँ कहाँ चला रहे हैं आप? क्या होटलों पे है या सिर्फ क्या पूरे मार्केट में ही चला रहे हैं? ये मुहिम या पूरे शहर में? पूरे शहर में चल रही है। होटलों पे, घरों से जो गीला सूखा कचरा आ रहा है, ठेला गाड़ियों के पास जो पॉलीथीन यूज करते हैं उसके मतलब विरुद्ध, और पूरे सिटी में चल रही है मुहिम। शाजापुर से संवाददाता हरीश कुशवाहा की रिपोर्ट।